सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में। कुछ ऐसे नए डिवाइस है वन प्लस के जिनके लिए यहाँ पर नए अपडेट है ना, वो यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं वन प्लस की ओर से। सो अगर आप लोग इंडिया में वन प्लस नोट सीरीज का, वन प्लस 7 सीरीज का, वन प्लस 8 सीरीज का और वन प्लस 9 सीरीज का कोई भी डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो, सो वीडियो को पूरा देखते रहना। आगे मैं आपको वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपका जो वन प्लस का डिवाइस है इसके लिए नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर कौन से मंथ के लिए आने वाला है, और ऑक्सीजन ओएस 12.1 का नेक्स्ट अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर कब तक मिलेगा आपके वन प्लस के डिवाइस के अंदर। सो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, सो जल्दी से इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देना। अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपकी डिवाइस के लिए जैसे इंडिया में अपडेट आएगा सो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में और इसके नए अपडेट के बारे में, कौन कौन से डिवाइस के लिए नए अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं वन प्लस की ओर से। तो यहाँ पर आप लोग देख दो, सबसे पहला जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया है वन प्लस के 9RT डिवाइस के लिए। यहाँ पर आप लोग देख तो पहले मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ना वहाँ पर शेयर कर दी थी वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस अपडेट के टेलीग्राम चैनल के अंदर कि वन प्लस 9RT जो डिवाइस है ना इसके लिए ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ओपन बीटा अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है कुछ पायलट यूजर के लिए। सभी यूजर के लिए तो अपडेट है ना वहाँ पर नहीं आया है, लेकिन कुछ यूजर हैं उनके लिए अपडेट है ना वो रिलीज हो चुका है वन प्लस 9RT यूजर के लिए। तो मैंने आपको वीडियो बना के भी इन्फॉर्म बताया था किस तरीके से आप लोगों को अपडेट करना है, और यहाँ पर अपडेट की जो लिंक है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली शेयर यहाँ पर कर दिए। और अब बात लेते हैं एक और डिवाइस के बारे में जिसके लिए अपडेट है ना वहां पर काफी ज्यादा डिले चल रहे हैं, तो उस डिवाइस का नेम है OnePlus Nord 2। अब यहां पर OnePlus Nord 2 जो डिवाइस है ना इसके लिए अपडेट है वो काफी हद तक डिले है ना वो यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीवियस जितने भी जो अपडेट है ना उसके अंदर आप लोगों को कई सारे बग है ना वो यहां पर देखने को मिल रहे थे OnePlus Nord 2 के अपडेट के अंदर। बीच में आप लोगों को यहां पर ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो यहां पर सभी यूजर है उनके लिए भी यहां पर देखने को मिल गया था, लेकिन आगे जाके अपडेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई थी इसलिए अपडेट है ना उसको यहाँ पर डिले कर दिया गया था वन प्लस के नोट 2 डिवाइस के यूजर के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बना के भी इन्फॉर्म करके बताया था कि वन प्लस नोट 2 5G जो डिवाइस है ना इसके अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो अगर आप लोग टोटली एक्टिव रहते हो ना हमारे चैनल के साथ में सो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। और अब बात कर लेते हैं एक और अवेटेड अपडेट के बारे में जो कि है वन प्लस नोट CE 5G डिवाइस के बारे में। अब क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो है ना वहाँ पर बना दी है कि वन प्लस नोट CE 5G डिवाइस है ना इसके लिए आप लोगों को इंडिया में कब तक ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड एंड्रॉइड 12 का अपडेट है ना वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन काफी सारे यूजर है ना वो वीडियो उनके साथ में नहीं आती है इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन है ना वहां पर नहीं रहती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं वन प्लस नोट CE 5G जो डिवाइस है ना इसके अंदर आप लोग यहां पर मैन्युअली अपडेट है ना उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैन्युअली आप लोग इस डिवाइस के अंदर ऑक्सीजन ओएस 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट तो नहीं लेकिन बीटा अपडेट है ना उसको जरूर से यहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगर आप लोग यहां पर वन प्लस नोट CE 5G जो डिवाइस के यूजर हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। अभी आप लोगों को यहाँ पर जो डेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है 27 जून, तो आप लोगों को जुलाई के मंथ का वेट कर लेना है। 25 से लेके 30 जुलाई के बीच में आप लोगों को अपडेट है ना वो कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है वन प्लस नोट CE 5G डिवाइस के यूजर के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है तीनों डिवाइस के बारे में और इनके लिए अपडेट है ना वो क्यों डिले हो रहा है और कब तक अपडेट है ना वो यहाँ पर मिलने वाला है। आई थिंक मैंने वन प्लस नोट 2 जो डिवाइस है ना इसके लिए आप लोगों को नहीं बताया कि अपडेट ना वहां पर कब तक आएगा, सो आप लोगों को वेट कर लेना है 20 जुलाई का। सो 20 जुलाई से पहले पहले या फिर उसके आसपास ही अपडेट ना वो कभी भी आ सकता है, कोई भी कंफर्म टाइम नहीं है। और ये जो अपडेट आते हैं ना वो ओनली आप लोगों को या तो आधे घंटे या फिर 1 से 2 आवर के लिए देखने को मिलते हैं। सो अगर आप लोग कहीं पे बिजी हो जाते हो और अपडेट यहाँ पर मिस हो जाता है तो बाद में अगर आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर चेक करोगे सो अपडेट ना वो श्योर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप
आप लोगों को वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस अपडेट का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट ना वहाँ पर रिलीज हो जाता है। स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको न्यूज है ना वो शेयर कर देता हूँ कि इस डिवाइस के लिए अपडेट है वो रिलीज हो चुका है, और बहुत सारे यूजर है वो यहाँ पर देखते हैं कि अपडेट यहाँ पर किस डिवाइस के लिए है, और वो अपने डिवाइस के अंदर चेक करते हैं ना तो उनको अपडेट है वो सच में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं गाइज कुछ और डिवाइस के बारे में। सो उनका नेम है वन प्लस 9R। अब इस डिवाइस के लिए बहुत सारे यूजर हैं जो कि डेली कमेंट करते हैं कि इसके लिए ऑफिशियल अपडेट है वो तो रिलीज हो चुका है लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे का रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन प्लस 9R जो डिवाइस है ना इसके लिए अपडेट तो रिलीज हो चुका है, अपडेट के अंदर कुछ फ्री में बग्स है ना वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए सभी यूजर है उनके लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आप लोग वन प्लस 9R डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो। अगस्त के मंथ के अंदर आपको जो अपडेट है ना वहाँ पर मिल जाएगा, एक नया अपडेट है ना वो मिल जाएगा वन प्लस के 9R डिवाइस के यूजर के लिए। और बात करें वन प्लस 9 और वन प्लस 9 प्रो डिवाइस के बारे में, सो इनके लिए तो रेगुलर अपडेट है ना वो रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि वन मंथ के अंदर आपको एक तो अपडेट है ना वहाँ पर देखने को मिल जाता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा डेढ़ महीने से ज्यादा का टाइम है ना वो यहाँ पर नहीं लगता है अगर आप लोग वन प्लस 9 प्रो या फिर वन प्लस 9 डिवाइस है ना वो यूज करते हो। काफी जल्दी इन दोनों डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ये सबसे बड़े फ्लेक्सिबल डिवाइस है ना वो आपको यहाँ पर मिलते हैं आफ्टर वन प्लस 10 अल्ट्रा, तो इनके लिए भी अपडेट है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिलते हैं, सो इनके लिए आपको डाउट नहीं होगा। अब अगर आप लोग वन प्लस 8, वन प्लस 8T और वन प्लस 8 प्रो इन तीनों में से कोई भी डिवाइस है ना वो यूज करते हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इन तीनों डिवाइस के लिए यहाँ पर जो स्टेबल अपडेट है वो रिलीज हो चुका है कुछ यूजर के लिए, सभी यूजर को अपडेट नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आप लोग वन प्लस 8 प्रो, वन प्लस 8 और वन प्लस 8T डिवाइस है ना वहाँ पर यूज कर दो। मेरे पास डेली कमेंट आते हैं कि इन तीनों डिवाइस के लिए अपडेट है वहाँ पर कब तक आएंगे, अलग अलग यूजर यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है इन तीनों डिवाइस के लिए आपको अपडेट है वहाँ पर कभी भी मिल सकता है जुलाई मंथ के अंदर अपडेट। तो अब बात कर लेते हैं वन प्लस 7, वन प्लस 7T, वन प्लस 7 प्रो और वन प्लस 7T प्रो। तो ये चारों जो डिवाइस है ना वन प्लस 7, तो इनके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो है ना वहाँ पर बना दिए कि इनके लिए आप लोगों को अपडेट है ना वहाँ पर कब तक मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरी वो वाली वीडियो है ना वहाँ पर नहीं देखी है तो उसको आपको वॉच कर लेना, उसके अंदर आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा कि अपडेट है ना वहाँ पर कब तक आएगा इन चारों ही डिवाइस के अंदर। तो ये वाली मेरी वीडियो है, आपको यूट्यूब पे सिंपली सर्च करना है सहेज सेन वन प्लस 7 प्रो ऑक्सीजन ओएस 12 अपडेट, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो नजर आ जाएगी, इसको आप लोगों को वॉच कर लेना, सारे डाउट है वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन छोटा सा आप लोगों को हिंट बता देता हूँ, इनके लिए आपको अपडेट है वहाँ पर जुलाई की एंडिंग है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। पहले ये जो अपडेट है वहाँ पर ओपन बीटा का अपडेट है ना वहाँ पर आएगा इस डिवाइस के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोग साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी थी। अगर आप लोग इनमें से वन प्लस का कोई भी डिवाइस है ना वहाँ पर यूज करते हो और आपके डिवाइस के लिए मैंने न्यूज है ना वहाँ पर शेयर नहीं किया है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आप लोगों को वीडियो है ना वो यहाँ पर जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इंस्टेंट न्यूज अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, साथ है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आगे वीडियो आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।